बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान बहुत ही जल्द शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान में स्पेशल कैमियो करते दिखेंगे। खबरें हैं कि यशराज बैनर के मालिक आदित्य चोपड़ा अपने प्रोडक्शन हाउस का एक स्पाई वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने पठान और टाइगर सीरीज का क्रॉसओवर कराने का फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो सलमान खान फिल्म पठान के अंत में 10 मिनट का कैमियो करते दिखाई देंगे, जैसा दर्शकों ने सिम्बा में अजय देवगन का कैमियो देखा था। सलमान खान के एक्सटेंडेड कैमियो की खबर सुनते ही शाहरुख खान के फैंस खुशी से उछल पड़े थे, क्योंकि इन दोनों सुपरस्टार्स को एक ही फिल्म में साथ देखना किसी भी सिनेमा प्रेमी का सपना है। अगर सलमान खान को पठान में कैमियो करने के लिए मिलने वाली फीस की बात करें तो वो है 0। जी हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। असल में सलमान खान और शाहरुख खान के बीच भाई जैसा रिश्ता है, जिस कारण सलमान खान ने ये फैसला लिया है कि वो पठान में काम करने के लिए एक भी रुपये नहीं लेंगे। बॉलीवुड हंगामा में छपी एक खबर के मुताबिक जब आदित्य चोपड़ा ने सलमान खान से उनकी फीस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, शाहरुख मेरे भाई जैसा है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आदित्य चोपड़ा काम के मामले में बेहद प्रोफेशनल हैं, जिस कारण उन्होंने सलमान खान पर दबाव बनाने की कोशिश की कि वो पठान के लिए फीस चार्ज करें। सलमान खान ने उनसे कहा कि वो उनको जो भी फीस देना चाहते हैं उसे पठान और टाइगर 3 के बजट में आधी आधी लगा दें, इससे दोनों फिल्मों को फायदा होगा और उन्हें लगेगा कि उन्होंने फीस ले ली। दोस्तों, ये हर सिनेमा प्रेमी के लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि उनके चहेते सुपरस्टार्स एक ही फिल्म में एक साथ दिखेंगे। हम इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो हम आपको तुरंत बताएंगे। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हैं तो गड़बड़झाले को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।